यहाँ मैं आपको गवर्निंग सिस्टम का एक ब्रॉडर पिक्चर बताऊंगा कि हमारा कंट्रोल आयल कहाँ से आ रहा है, मेनली ये कहाँ कहाँ जा रहा है, स्टॉप वाल्व कैसे ओपन होगा, कंट्रोल वाल्व को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, टरबाइन रोलिंग कैसे स्टार्ट होता है, इसका एक बेसिक आइडिया दूंगा। इसका डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। मेनली हमारा जो आयल हेडर माइल है ये एओपी या एमओपी से आ रहा है। स्टैंड स्टिल कंडीशन में तो एओपी से आएगा, रनिंग कंडीशन में एमओपी से आएगा। बीच में एक सटॉप वॉल्व है और यहाँ से कंट्रोल आयल हेडर में आ जा रहा है। सटॉप वॉल्व का काम कंट्रोल आयल जो आयल हेडर से आ रहा है उसको बंद या चालू करने के लिए है। एक बार जब आयल हमारा कंट्रोल आयल हेडर में आ जा रहा है, इसके बाद ही मेनली चार जगह जा रहा है। आरटीएस स्टार्टिंग डिवाइस, इसको स्टार्टिंग एंड लोड लिमिट डिवाइस भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्पीड ट्रांसमीटर एंड एचटीटी सोलेनाइड। इनके फंक्शन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आरटीएस का फुल फॉर्म रिमोट ट्रिप सोलेनाइड है। मेन आरटीएस का काम डीसीएस से टरबाइन को ट्रिप करने के लिए है। नॉर्मली ये डी एनर्जाइज कंडीशन में रहता है। स्टार्टिंग डिवाइस हमारा फंक्शन में रोलिंग के टाइम पे आता है, टरबाइन रोलिंग अप टू 2800 आरपीएम एंड ट्रिप गियर और हाइड्रोलिक प्रोटेक्शन डिवाइस को रिसेट करने में और स्टॉप वाल्व को ओपन करने में। हाइड्रोलिक स्पीड ट्रांसमीटर से हमको टरबाइन की स्पीड का रेफरेंस मिलता है। एचटीटी सोलेनाइड हमारा एटीटी के दौरान सर्विस में आता है। इसका फंक्शन जब हम एटीटी का बारे में डिस्कस करेंगे उस समय एचटीटी सोलेनाइड का फंक्शन देखेंगे। मेनली जो आयल हमारा कंट्रोल आयल हेडर में आ रहा है, यहाँ से इसको कंट्रोल आयल बोलते हैं, आरटीएस से ये ट्रिप गियर में जा रहा है। ट्रिप गियर से हमारे मेनली दो आयल ऑक्स ट्रिप आयल एंड ट्रिप आयल जनरेट हो रहे हैं। ऑक्स ट्रिप आयल का फंक्शन क्या है? ऑक्स ट्रिप आयल हमारा हाइड्रोलिक प्रोटेक्शन डिवाइस में जा रहा है। इन केस अगर कोई भी हाइड्रोलिक प्रोटेक्शन डिवाइस एक्ट करती है तो ऑक्स ट्रिप आयल ड्रेन हो जाता है, फर्दर वो ट्रिप आयल ड्रेन हो जाता है और हमारा टरबाइन ट्रिप हो जाता है। एक थंब रूल है कि जहां भी ट्रिप आयल ड्रेन होगा टरबाइन हमारा ट्रिप हो जाएगा, मीन्स स्टॉप वॉल्व एंड कंट्रोल वॉल्व फुली क्लोज हो जाएंगे। ये ट्रिप आयल हमारा ऑक्स फॉलो अप पिस्टन एंड फॉलो अप पिस्टन में जाता है। ऑक्स फॉलो अप पिस्टन से ऑक्स सेकेंडरी आयल जनरेट होता है जो कि हमारा हाइड्रोलिक कन्वर्टर में जाता है। ये हाइड्रोलिक कन्वर्टर हमारा फर्दर फॉलो अप पिस्टन को मूव कराने के काम आता है, जिससे कि सेकेंडरी आयल जनरेट होता है। ये सेकेंडरी आयल हमारा एचपी और आईपी टरबाइन में जाता है। एचपी टरबाइन के लिए फॉलो अप पिस्टन का सेट अलग होता है, आईपी टरबाइन के लिए आईपी कंट्रोल वॉल्व के लिए इसका सेट अलग होता है। हमारे दो अलग अलग सेकेंडरी आयल जनरेट होते हैं, एचपी सेकेंडरी आयल एंड आईपी सेकेंडरी आयल। स्टार्टिंग डिवाइस में जो कंट्रोल आयल जा रहा है ये हमारा फर्दर दो ऑयल में कन्वर्ट होता है, स्टार्टअप ऑयल एंड ऑक्स स्टार्टअप ऑयल। ऑक्स स्टार्टअप ऑयल का काम हमारा ट्रिप गियर और हाइड्रोलिक प्रोटेक्शन डिवाइस को रिसेट करने का है। स्टार्टअप ऑयल का फंक्शन स्टॉप वॉल्व को ओपन करने का है। हाइड्रोलिक स्पीड ट्रांसमीटर से हमको स्पीड का पता चलता है और एचटीटी हमारा एटीटी के प्रोसेस में पिक्चर में आएगा। तो यहाँ से एक मोटा मोटा आइडिया क्लियर हो जा रहा है कि इन केस ऑफ जब हम रोलिंग कर रहे हैं टरबाइन का तो स्टार्टिंग डिवाइस पहले पिक्चर में आएगा और ऑक्स स्टार्टअप ऑयल जनरेट होंगे। ऑक्स स्टार्टअप हमारा ट्रिप गियर और हाइड्रोलिक प्रोटेक्शन डिवाइस को रिसेट करेगा। स्टार्टअप ऑयल हमारा स्टॉप वॉल्व को ओपन करेगा। सेकंड हमारा जो आरटीएस से ऑयल ट्रिप गियर में जा रहा है, ट्रिप गियर रिसेट होने के बाद एक बार ये ट्रिप ऑयल हमारा ऑक्स फॉलो पिस्टन और फॉलो पिस्टन में जाएगा। यहाँ से ऑक्स सेकेंडरी ऑयल कन्वर्ट होगा जो कि हमारा हाइड्रोलिक कन्वर्टर में जाएगा। ये हाइड्रोलिक कन्वर्टर हमारा फॉलो पिस्टन को रेगुलेट करेगा और सेकेंडरी ऑयल जनरेट होगा जिससे कि कंट्रोल वॉल्व कंट्रोल होता है। तो यहाँ से हमें ब्रॉडर पिक्चर क्लियर हो जा रहा है कि कंट्रोल वॉल्व हमारा कैसे कंट्रोल हो रहा है। इनको डिटेल में हम अभी आगे देखेंगे।
अब मैं आपको आरटीएस के बारे में बताऊंगा। आरटीएस का फुल फॉर्म रिमोट ट्रिप सोलेनाइड है। जब डीसीएस से कोई सिग्नल टरबाइन ट्रिप के लिए जाता है तब हमारा रिमोट ट्रिप सोलेनाइड एक्ट कर जाता है, मींस एनर्जाइज्ड कंडीशन में आ जाता है। नॉर्मली रनिंग कंडीशन में आरटीएस डी एनर्जाइज्ड कंडीशन में रहता है। इस प्रोसेस में क्या रहता है कि हमारा कंट्रोल आयल यहाँ से जाता है, फर्दर डिवाइड होके यहाँ से ट्रिप गियर में चला जाता है। बट इन केस ऑफ आरटीएस एनर्जाइज्ड कंडीशन क्या होता है कि जैसे ही आरटीएस एनर्जाइज होती है ये ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, यहाँ से कंट्रोल आयल जाकर इसको ऊपर से पुश करता है और ये नीचे की तरफ मूव हो जाता है, जिससे कंट्रोल आयल का सप्लाई फर्दर बंद हो जाता है। जो लाइन हमारी ट्रिप गियर में जा रही है कंट्रोल आयल की सप्लाई के लिए, वहां से भी वो ड्रेन पोर्ट से कनेक्ट हो जाता है और हमारा ट्रिप गियर में जाने वाला आयल भी ड्रेन हो जाता है। एक यहां पर थंब रूल है हमेशा गवर्निंग में, जहां भी हमारा ट्रिप ऑयल ड्रेन होगा हमारा टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। टरबाइन ट्रिप मतलब कंट्रोल वॉल्व क्लोज एंड स्टॉप वॉल्व क्लोज। इस पिक्चर में स्टार्टिंग डिवाइस का 0% पोजीशन है और इधर 100% पोजीशन है। जब आपका कोई भी टरबाइन ट्रिप होता है और आपको अगर टरबाइन रिसेट करना है तब आपका जो इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपका मास्टर फ्यूल रिले रिसेट होना चाहिए, टरबाइन इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन रिसेट होना चाहिए एंड जनरेटर प्रोटेक्शन भी आपका रिसेट होना चाहिए। अगर ये आपका फुलफिल हो रहा है तब आप टरबाइन रिसेट करते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग डिवाइस के पोजीशन को 0% की तरफ लाएंगे। जैसे जैसे ये 100% पोजीशन है आप 0% की तरफ करेंगे, ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा। जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा ये कंट्रोल आयल आपका इधर से इधर और इधर से इधर जाने लगेगा। इससे आपका स्टार्टअप एंड ऑफ स्टार्टअप आयल जनरेट होने लगेंगे, आपको कुछ प्रेशर मिलने लगेगा। जब आप इसको 0% ले आएंगे तब आपका ऑक्स स्टार्टअप एंड स्टार्टअप आयल फुल प्रेशर जनरेट हो जाएगा, जो कि आगे आपका रिसेट करने के लिए जाता है। ऑक्स स्टार्टअप आपका ट्रिप गियर एंड हाइड्रोलिक प्रोटेक्शन डिवाइस में, स्टार्टअप आपका स्टॉप वॉल्व ओपनिंग के लिए जाता है। मैं आपको अभी स्टार्टिंग एंड लोड लिमिट डिवाइस के बारे में बताऊंगा। इसके बेसिकली 3 फंक्शन है। स्टार्टिंग एंड लोड लिमिट डिवाइस में हमारा कंट्रोल आयल जाता है जो कि 2 आयल में कन्वर्ट होता है, स्टार्टअप आयल एंड ऑक्स स्टार्टअप आयल। ऑक्स स्टार्टअप आयल रिसेटिंग ऑफ ट्रिप गियर एंड हाइड्रोलिक सेफ्टी डिवाइस में यूज होता है। स्टार्टअप आयल रिसेटिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टॉप वॉल्व में यूज होता है। स्टार्टिंग डिवाइस का एक और काम है रिलीजिंग ऑफ कंट्रोल वॉल्व फॉर ऑपरेशन। यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि कंट्रोल आयल फ्लूइड मिड से आ रहा है, अभी इसमें ड्रेन पोर्ट आपको बंद दिख रहे हैं और ये फर्दर ऑक्स स्टार्टअप एंड स्टार्टअप में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये आपका 0% पोजीशन है अभी स्टार्टिंग डिवाइस का, इसको अभी डिटेल में मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं
कि अभी स्टार्टअप एंड ऑक्स स्टार्टअप फाइल जनरेटेड है और ये ट्रिप गियर और हाइड्रोलिक प्रोटेक्शन डिवाइसेस को रीसेट करने का काम कर रहे हैं। जैसे जैसे स्टार्टअप फाइल आपका ऑक्स स्टार्टअप फाइल जनरेट हो जाता है, ये यहाँ से इसको पुश करता है। नॉर्मली जब टरबाइन ट्रिप होने के बाद ये स्पिंडल नीचे की तरफ रहता है और यहाँ से ये कंट्रोल आयल ब्लॉक रहता है यहाँ से, और जो ड्रेनिंग पोर्ट है यहाँ से वो ओपन रहता है। लेकिन जब आपको टरबाइन रीसेट करना है तब आप स्टार्टिंग डिवाइस को जैसे जैसे 0% लाते हैं, ऑक्स स्टार्टअप आयल जनरेट होता है, इसको ऊपर की तरफ मूव कराता है, कंट्रोल आयल आपका सर्किट से जो ट्रिप आयल के सर्किट में चला जाता है, आपका ट्रिप आयल प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। जब आपका सर्किट ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम स्टार्टिंग डिवाइस को दोबारा ओपन करते हैं फॉर रोलिंग एंड स्टॉप वॉल्व एंड कंट्रोल वॉल्व ओपनिंग के लिए, तब ये सर्किट ड्रेन हो जाता है लेकिन ट्रिप गियर अपनी इसी पोजीशन में रहता है। इन केस जब हम कोई भी हाइड्रोलिक प्रोटेक्शन डिवाइस एक्ट करती है तब ऑक्स ट्रिप ऑयल ड्रेन हो जाता है। ऑक्स ट्रिप ऑयल ड्रेन होने के बाद आपका फर्दर ट्रिप ऑयल ड्रेन हो जाता है और टरबाइन ट्रिप हो जाता है, मींस स्टॉप वाल्व एंड कंट्रोल वाल्व क्लोज हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप वाल्व रीसेटिंग कैसे होती है। स्टॉप वाल्व रीसेटिंग के लिए आपको स्टार्टिंग डिवाइस को 0% पर लाना रहता है जिससे आपका स्टॉप वाल्व रीसेट हो जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इनिशियली मैं आपको इस पिक्चर में क्या क्या बताता हूँ। यहाँ से स्टार्टअप आयल आ रहा है, यहाँ से ट्रिप आयल आ रहा है, ये सोलेनाइड 1 है, ये हमारा पिक्चर में आएगा जब हमको ATT प्रोसेस करना होगा। ये टेस्ट वॉल्व है आपका, ये स्टॉप वॉल्व का स्प्रिंग है, स्टॉप वॉल्व ओपन क्लोजिंग के लिए मैकेनिज्म है टोटली पूरा, और ये हमारा ये स्टॉप वॉल्व के ऊपर। नॉर्मली अब जब हमें टरबाइन रीसेट करना है, इसमें जब स्टार्टिंग डिवाइस को कम करते हैं 0% की तरफ लाते हैं, स्टार्टअप ऑयल का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस में स्टार्टअप ऑयल और ऑक्स स्टार्टअप ऑयल ये एक साथ जनरेट होते हैं, ऑक्स स्टार्टअप ऑयल हमारा ट्रिप गियर और हाइड्रोलिक प्रोटेक्शन डिवाइस को उधर रीसेट कर रहा होता है, इधर जो स्टार्टअप ऑयल जनरेट होता है वो इधर टेस्ट वाल्व तक आ रहा होता है। ये स्टार्टअप ऑयल टेस्ट वाल्व नॉर्मली ये जो स्प्रिंग की वजह से यहाँ पर रहता है, इस पोजीशन में रहता है, ये नीचे की तरफ मूव कर जाता है स्टार्टअप ऑयल का प्रेशर डेवलप होने के बाद। इस प्रोसेस में जब ये नीचे मूव कर जाता है तो ट्रिप आयल आ रहा होता है, इसके ऊपर से होते हुए स्प्रिंग के ऊपर की बॉडी से जाके इसको कंप्रेस कर देता है। एक बार स्प्रिंग फुल कंप्रेस हो जाता है, इसी को हम स्टॉप वाल्व रीसेट बोलते हैं। रीसेट मीन्स रेडी टू ट्रिप। फर्दर इसके बारे में आगे बताएंगे कि स्टॉप वाल्व कैसे ओपन होता है, तो रोलिंग का प्रोसेस करते हैं। स्टॉप वाल्व ओपन करने के लिए स्टार्टिंग डिवाइस की पोजीशन को हम 0% से बढ़ाना शुरू करते हैं, 52% 42% पे हमारा HP टरबाइन का स्टॉप वाल्व ओपन होता है एंड 56% पे IP टरबाइन का स्टॉप वाल्व ओपन होता है। 0% की कंडीशन में पहुंचते हमारा
स्टॉप वाल्व रिसेट हो चुका है, मींस स्प्रिंग हमारा कंप्रेस पोजीशन में रहता है, ट्रिप ऑयल मैक्सिमम होता है। जब हम स्पीडर गियर को पोजीशन को बढ़ाना शुरू करते हैं तब स्टार्टअप ऑयल का प्रेशर डिक्रीज होना शुरू होता है। जैसे जैसे डिक्रीज होता है टेस्ट वाल्व पे प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही 40 इन केस ऑफ एचपी टर्बाइन स्टॉप वाल्व 42% पर ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, जिससे कि हमारा यहाँ से ब्लॉक हो जाता है और ये वाला ये नीचे से यहाँ पर पोर्ट ब्लॉक हो जाता है और ट्रिप ऑयल हमारा नीचे से एंटर करके स्टॉप वाल्व को ऊपर की तरफ पुश करता है, जिससे कि हमारा स्टॉप वाल्व ओपन हो जाता है। यही सेम प्रोसेस हमारा आईपी टरबाइन पे 56% पर होता है। यहां पर मैं आपको स्पीडर गियर के वर्किंग के बारे में बताऊंगा। ये आपका स्पीडर गियर है, डीसी मोटर रहता है जिससे आप स्प्रिंग को कंप्रेस करके इसको ऊपर या नीचे करते हैं। ये पोर्शन आपका स्टार्टिंग डिवाइस का है, स्टार्टिंग है लोडिंग डिवाइस का है। यहां से आपका प्राइमरी ऑयल आ रहा है, ये आपका ऑक्स फॉलो पिस्टन है, यहां से ट्रिप ऑयल जा रहा है, यहां से आपका एक्सेस ऑयल ड्रेन हो जाता है और ऑक्स सेकेंडरी ऑयल आपको मिलता है जो कि फर्दर हाइड्रोलिक कन्वर्टर में जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये आपका स्टार्टिंग डिवाइस का 0% का पोजीशन है। जैसे जैसे इसको आप ओपन करते हैं ये नीचे की तरफ मूव करता है और इससे क्या होता है आपका जो ये ड्रेन पोर्ट है मिस अलाइन होते हैं और आपका ड्रेनिंग रेट डिक्रीज होता है। यहां से जो आपका सेकेंडरी ऑफ सेकेंडरी ऑयल प्रेशर जनरेट होता है यहां से केवल आप 2800 आरपीएम तक जा सकते हैं। फर्दर आरपीएम कंट्रोल करने के लिए आपको स्पीडर गियर का यूज करना, इसकी पोजीशन बढ़ाने पर इसका स्प्रिंग कंप्रेस होता है, इसको फर्दर और नीचे की तरफ करता है, ड्रेन पोर्ट मिस अलाइन होते हैं और ड्रेनिंग रेट कम होता है। ड्रेनिंग रेट कम होने से हमारा अल्टीमेटली जो इसका आउटपुट ऑक्स सेकेंडरी ऑयल प्रेशर मिल रहा है इसका इंक्रीज होता है। यही ऑक्स सेकेंडरी ऑयल आगे हाइड्रोलिक कन्वर्टर में यूज होता है फॉर कंट्रोलिंग द फॉलो अप पिस्टन। इसको मैं अभी आगे की स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। जो ऑक्स सेकेंडरी ऑयल हमारा जनरेट हुआ था ऑक्स फॉलो अप पिस्टन में वो फर्दर यहाँ हाइड्रोलिक कन्वर्टर में आता है। इस ऑक्स सेकेंडरी ऑयल प्रेशर को हम स्टार्टिंग एंड लोड लिमिट डिवाइस और स्पीडर गियर से वेरी करा सकते हैं। ये होल मैकेनिज्म आपकी हाइड्रोलिक कन्वर्टर है। ऑक्स सेकेंडरी ऑयल यहाँ पे टेस्ट ऑयल की सिग्नल ऑयल की तरह काम करता है। ऑक्स सेकेंडरी ऑयल प्रेशर बढ़ने पे होल मैकेनिज्म जो कि फॉलो अप पिस्टन से अटैच्ड है इसके ड्रेनिंग को कंट्रोल करती है, जिससे क्या होता है कि आपका जो ट्रिप ऑयल आ रहा है ये एचपी के लिए फॉलो अप पिस्टन है और ये आईपी के लिए फॉलो अप पिस्टन है। यहाँ से ड्रेनिंग रेट को वेरी करा के जो एचपी के लिए सेकेंडरी ऑयल जा रहा है आईपी का सेकेंडरी ऑयल जा रहा है इसके प्रेशर को वेरी कराते हैं। मींस जब आप स्पीडर गियर की पोजीशन को इंक्रीज करते हैं
ऑफ सेकेंडरी ऑयल प्रेशर बढ़ता है, हाइड्रोलिक कन्वर्टर से जो सिग्नल जाता है वो इसके ड्रेनिंग को कम करता है। ड्रेनिंग कम करने पे क्या होता है कि एचपी सेकेंडरी ऑयल का प्रेशर बढ़ जाता है। सेम प्रोसेस ही आईपी के फॉलो अप पिस्टन के लिए भी होता है। आईपी की फॉलो अप पिस्टन से एक अदर मैकेनिज्म यूज होता है, ट्रिम डिवाइस सोलेनाइट। ट्रिम डिवाइस सोलेनाइट का काम टू प्रिवेंट चर्निंग इन एचपी टरबाइन है। यहां पर मैं आपको इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग के बारे में बताऊंगा। हाइड्रोलिक गवर्नर में जहां सेकेंडरी ऑयल प्रेशर को वेरी कराने के लिए एक हाइड्रोलिक कन्वर्टर लगा होता है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर में इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर लगा होता है। हाइड्रोलिक कन्वर्टर को सिग्नल देने का काम हमारा ऑक्स सेकेंडरी ऑयल करता है, लेकिन इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग में जो सिग्नल मिलता है वो हमारा प्लंजर कॉइल को मिलता है। यहाँ पे ऑक्स सेकेंडरी ऑयल का कोई जरूरत नहीं है। ये प्लंजर को यहाँ पे मैं पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। ये पूरा मैकेनिज्म इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर है, ये प्लंजर कॉइल है, ये कॉलिंस है, ये आपका फॉरवर्ड पिस्टन है और ये आपका कंट्रोल स्लीव है। जैसे जैसे जो सिग्नल हमारा इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर से प्लंजर कॉइल को जाता है, ये कंट्रोल स्लीव को मूव कराता है ऊपर या नीचे, जिससे कि जो ऑयल हमारा कंट्रोल ऑयल में पावर पिस्टन में ऊपर या नीचे की तरफ से जा रहा है वो बैरी होता है और वो फर्दर फॉलो अप पिस्टन की ड्रेनिंग को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अगर प्लंजर कॉइल हमारा जैसे जैसे कंट्रोल स्लीव नीचे आएगा, कंट्रोल स्लीव नीचे आएगा तो इसमें जो ऑयल ऊपर से जा रहा है उसका अमाउंट बढ़ेगा और जो नीचे से जा रहा है उसका कम होगा। फर्दर हमारा कंट्रोल पावर पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा और ड्रेनिंग रेट हमारा बढ़ेगा। ड्रेनिंग रेट बढ़ने पे पावर पिस्टन जब नीचे की तरफ मूव करेगा, यहाँ पर पाइवोट है, ये मैकेनिज्म ऊपर की तरफ मूव करेगी जिससे हमारा ड्रेनिंग रेट फर्दर बढ़ जाएगा क्योंकि ड्रेन पोर्ट हमारे इंक्लाइंड हो जाएंगे, जिससे कि हमारा सेकेंडरी ऑयल एचपी आईपी में जा रहा है वो बैरी होगा। इन केस रिवर्स, जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा फॉलो कंट्रोल स्लीव, देन जो नीचे से ऑयल जा रहा होगा इसका अमाउंट बढ़ेगा, ऊपर का कम होगा। ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ मूव करेगा, ये मिस अलाइन होंगे, ड्रेनिंग रेट हमारा कम होगा और सेकेंडरी ऑयल प्रेशर इंक्रीज हो जाएंगे। मेन डिफरेंस इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग एंड हाइड्रोलिक गवर्निंग में यही है। ट्रिम डिवाइस सेम हमारा वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि हाइड्रोलिक गवर्निंग में कर रहा था और कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग एंड हाइड्रोलिक गवर्निंग दोनों के बारे में एक साथ बताता हूँ। हाइड्रोलिक गवर्निंग हमेशा पैरेलल में रहती है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग के। इन केस अगर इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग हमारा सर्विस में है तो हाइड्रोलिक गवर्निंग पैरेलल में रहेगा। यहाँ मेन डिफरेंस जो मैं आपको बताया था, हाइड्रोलिक है हाइड्रोलिक कन्वर्टर, ये इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर, आगे का जो प्रोसेस है फॉलो पिस्टन का वो सेम है, सेम ट्रिम डिवाइस एंड फॉलो अप पिस्टन अरेंजमेंट वो सेम रहता है। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि हमारा कौन सा गवर्निंग मोड सर्विस में रहेगा। इसका सिंपल फंडा ये है, जिस गवर्निंग सिस्टम का ड्रेनिंग रेट ज्यादा रहेगा, ड्रेनिंग रेट ज्यादा रहेगा वही सर्विस में रहेगा। मींस
अगर आपका हाइड्रोलिक गवर्निंग का रेट ज्यादा है तब आपका हाइड्रोलिक गवर्निंग सर्विस में रहेगा, अगर इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग का ज्यादा है तब इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग रहेगा। इसके लिए जब आपको हाइड्रोलिक गवर्निंग, अगर आपको इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सेलेक्ट करना है तो हाइड्रोलिक गवर्निंग का पोजीशन आप मैक्सिमम कर देंगे, मींस स्पीडर गियर का पोजीशन मैक्सिमम कर देंगे, जिससे कि ड्रेनिंग रेट क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। ड्रेनिंग रेट मिनिमम होने के बाद जैसे ही मिनिमम होगा आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सर्विस में आ जाएगा, क्योंकि इसका ड्रेनिंग रेट समहाउ हाइड्रोलिक गवर्निंग से ज्यादा ही होगा, क्योंकि आपने स्पीडर गियर का पोजीशन मैक्सिमम कर दिया है। यहां पर अगर आप लोकल में अरेंजमेंट देखेंगे तो दो मैनुअल वाल्व लगे रहते हैं एचपी और आईपी के सेकेंडरी आयल की लाइन में, ये केवल इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग को आइसोलेट करने के लिए रहते हैं। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जहां पर आपको इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग को आउट करना है और हाइड्रोलिक गवर्निंग मोड में आपको यूनिट को लेना है, टर्बाइन को लेना है, तब आप इनको बंद कर सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, और कैसे आपका मैक्सिमम ड्रेनिंग रेट वाला सिलेक्शन रहता है इसका भी मैं अच्छे से डिस्कशन आगे के वीडियो में करूंगा। उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको ब्रॉड पिक्चर जो गवर्निंग का है कि स्टॉप वाल्व ओपनिंग, स्टॉप वाल्व क्लोजिंग, कंट्रोल वाल्व कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये क्लियर हो चुका होगा। बाकी आगे मैं आपको ऑटोमेटिक टर्बाइन टेस्टिंग एंड ATRS ऑटोमेटिक टर्बाइन रनअप सिस्टम के बारे में आगे बताऊंगा। यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ब्रॉडर पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी कि कैसे आपके स्टॉप वॉल्व ओपन हो रहे हैं, कंट्रोल वॉल्व कैसे कंट्रोल हो रहा है, ट्रिप आयल, ऑक्स ट्रिप आयल, ये कैसे टर्बाइन ट्रिप को इनिशिएट करते हैं। बाकी जो डिटेल में ATT एंड ATRS के बारे में आगे बताऊंगा, और कैसे मैक्सिमम ड्रेनिंग वाला गवर्निंग सिस्टम आपका सर्विस में रहता है इसको भी मैं डिटेल में आगे बताऊंगा।